परफेक्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे मामू, ये अमेजिंग है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं अभी कैमरा रख के चलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो अभी आज बज रहे हैं शाम के कितने बज रहे हैं वरुण? क्या हो गया? 5:30 बजे शाम के। हम धीरे बोलने के लिए आंश सो रहा है, बड़ी ही मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। एंड आज हम लोग सुबह गए थे हॉस्पिटल। खैर वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं क्या करने जा रही हूँ, मेहो लाने वाला है। तो मेरा बर्थडे होता है 8th of March का, जिसका आपको ब्लॉग नहीं मिला होगा क्योंकि मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं किया। एंड मेहुल का बर्थडे होता है 11th of March का, जो निकल चुकी है, बट मेहुल अभी आने वाला है। तो हमने प्लान किया उसको एक सरप्राइज़ देंगे। हम इस दिन छोटे वाले रूम में हैं, तो हम यहाँ पर ना कुछ डेकोर कर देंगे अच्छा सा, लाइक जो भी मेरे पास है उससे डेकोरेशन कर देंगे कुछ। एंड मैंने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा केक उसके लिए ऑर्डर कर दिया है फ्रिज में, और वो केक आ भी गया है। बहुत ही टेस्टी केक है। उसको ना चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली। तो हमने उसके लिए ना चॉकलेट केक मंगवाया है, और वो बहुत बढ़िया एक्सट्रीम चॉकलेटी केक है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद स्टार्ट करने चलेंगे डेकोरेशन। ये देखो, बिल्कुल बढ़िया चॉकलेटी केक, एकदम चॉकलेट से लटपट वाला केक है, जो बहुत ही सुंदर भी है। सो ये मैंने उसके लिए मंगवा लिया है। अभी चलते हैं डेकोरेशन करने के लिए। एंड इसके साथ हमें मिला है हैप्पी बर्थडे का टैग, एक नाइफ और ये कैंडल्स। और यहाँ पे कुछ सामान है जो वरुण ने मेरे बर्थडे पर मंगवाया था, जैसे कि क्राउन, जो उसके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। ये हम रख देंगे उसके लिए स्पेशली टेबल पर। और हाँ, पार्टी बॉम्ब, ये हमारे पास एक बचा था, ये हम रख सकते हैं। एक ही बर्थडे गर्ल का जो मैंने मंगवाया था, हाँ वही, तो जो मैंने पहन के रख दिया वो ये हम नहीं रख सकते। और वरुण ने मेरे बर्थडे पर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मंगवाई थी, वो है ये नाइफ। और ये इतना खतरनाक नाइफ है ना कि ये हम बताएंगे नहीं उसको क्या है, जब ये बजेगा ना तब वो शॉक हो जाएगा। ये नाइफ है, ठीक है, अभी देखना। व्यांश अगर उठ गया ना बताऊंगी इसे, बस बंद हो जा भाई, बंद हो जा। सो ये नाइफ हम रखने वाले हैं, और ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कुछ इस टाइप का नाइफ होगा। सो नाइफ हो गया, पार्टी बॉम्ब हो गया, एंड या लेट्स स्टार्ट द डेकोरेशन। और ये कुछ बैलून्स हैं मेरे पास, कुछ प्लेन हैं, कुछ ऐसे हैं। ये बैलून्स हम यहाँ पे कुछ ऐसे, मैं सोच रही हूँ कुछ इस टाइप का यहाँ पर डेकोरेट। तो ये देखो, मैंने ना रूम डेकोरेट कर दिया है, और यहाँ बैलून्स लगा दिए हैं, लिखा है हैप्पी बर्थडे मामू, और ये ऐसे टेबल को डेकोरेट कर दिया है। एंड यहाँ पे देखो, रोज़ के पेटल्स डाल दिए हैं। ये रोज़ का बुके जो मुझे वरुण ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। एंड टेबल पर ना ऐसे बलून डेकोर कर दिया है। और ये कुछ ना फ्लिपकार्ट के गिफ्ट हैं जो मैंने उसके बर्थडे के लिए मंगवाए हैं, और इसमें से जो उसे अच्छा लगेगा वो रख लेगा, अगर कुछ नहीं अच्छा लगेगा, नहीं फिट का होगा, तो मैं रिटर्न कर दूँगी। एंड इसको भी मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ। एंड ये हो गया हमारा पार्टी बॉम्ब, जो मैं यहाँ रख दूँगी। एंड ये हो गया नाइफ यहाँ, एंड यहाँ पे आ जाएगा केक, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे मैंने वो दोनों रख दिए, उसमें लाइटिंग कर दूँगी। यहाँ पे ये तीनों में मैं लाइटिंग करने वाली हूँ, रोज़ का फ्रेगनेंस के साथ, बाकी लाइट्स ऑफ, राइस लाइट लगाऊंगी, स्टार की लाइट्स लगाऊंगी, दैट्स इट। अभी उसका लुक देखते हैं एक बार कैसा आ रहा है टोटल, है ना।
तो डेकोरेशन सारी ना कंप्लीट हो गई है और मैंने इसको ऑन कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी लेट में से ब्राइट हो पाता है। बाकी उनको और इनको ना मैं तभी ऑन कर दूँगी, माचिस में यहाँ रख देती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कहीं ना कैमरे का सेटअप कर दूँगी ताकि वो आए तो उसका सामने से रिएक्शन आए। बाकी मैं एक पीछे से तो ऑब्वियसली शूट कर ही रही हूँगी। और ये मैंने एक राइस लाइट ना इसे बैलून्स पर लगा दी है एंड बाकी की यहाँ पर रख दिया है, तो एकदम मज़ा आने वाला है। लेट्स सी उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। फिलहाल मैं उसको कॉल करती हूँ एंड पूछती हूँ कि कितना टाइम उसको भी आने में लगने वाला है। 7 बज गए हैं और मेहुल बस कुछ टाइम में ना आने ही वाला है। हम लोगों ने प्लान किया है कि जैसे मैं गेट के पास बोल रही हूँ, तो हम लोगों ने प्लान किया है जैसे मेहुल आएगा ना तो हम नॉर्मली इस वाले रूम को ना ऐसे बंद कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे। तो वो अपना आएगा, बातें बातें करेंगे, उसके बाद क्या होगा। लेट्स सी द सिचुएशन है ना, तो सिचुएशन को देखते हैं। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ भाई अभी हमें सेलिब्रेट करने का प्लान रखना चाहिए, बलून नेगेटिव बेटा, तो मैं वरुण को बोलूँगी कि वरुण आप ना मेहुल को बालकनी दिखा लाओ, कितना अच्छा क्लब का व्यू आता है। तो वरुण जाएंगे बालकनी में एंड मैं यहाँ पे क्या क्या करूँगी, ये वाले कैंडल्स ऑन करूँगी, वहाँ वाले कैंडल्स ऑन करूँगी, केक ला के रखूँगी और क्या था, कैमरा सेट करूँगी और भी कुछ था क्या, कैमरा तो मैंने बोल दिया, कैमरा केक और कैंडल्स है ना, यही 3 काम है ना। हाँ ये 3 काम मैं करूँगी अंदर में बालकनी में जाऊँगी एंड फिर हम उसे रूम में लेकर। अच्छा छन छन कर रहा है कौन, मैं कर रियांश है ये। आज बड़े दिनों के मेरा गला बहुत खराब हो रहा है ना, क्यों हो गया तुम्हें, अभी तो सही था। हाँ नहीं सुबह से ही हो रहा है, आज वो रियांश शादी वाला घर चालू हो गया। शादी वाला घर, हाँ शादियों का वो चल रहा है सीजन, तो हम किसी शादी में नहीं जा रहे, पर हमें एहसास नहीं होना चाहिए कि हम शादी में नहीं जा, हमारा शादी वाला घर है तो मेरा गला वाला खराब है। ओह माय गॉड, तो क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं क्या बोल रही थी, बट आप ये लाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे मामू, कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, हैप्पी बर्थडे मामू का एम ऊपर हो गया, मामू के मामू सिड्डी बन गए हैं, यू एम ए एम, बट अच्छा लग रहा है। और टाइमली हम लोगों ने सब कुछ कर भी लिया एंड यहाँ पे ना इसके कुछ गिफ्ट भी, एक्चुअली मैं ये पहले वेडनेसडे नहीं, ये पहले थर्सडे को आने वाला था, तो इसके ना 2 गिफ्ट अभी पेंडिंग चल रहे हैं जो ऑन द वे हैं, जो कल आएंगे, बट कोई ना 4 चीज़ें आ गई हैं, अभी ट्राई कर लेगा जो सही आएगा कैसा आएगा मैं आपके साथ ना हॉल शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं और मैं आपके साथ हॉल शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी। यस मैंने फ़ोन किया था इसे भी 15 मिनट पहले, तो ये कह रहा था बस पहुँचने ही वाला हूँ, तो ये आई एम वेटिंग। ये देखो सोते सोते हंस रहा है, इसको ना मैंने आज शॉर्ट्स पहनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है, दिखाऊंगी अभी आपको। मेहुल आ गया है, वरुण की मीटिंग चल रही है, तो मैं रूम बंद कर देती हूँ। मेरे पास एक्सक्यूज़ है कि वरुण की मीटिंग चल रही है तो वो अंदर नहीं जाएगा एंड मैं उसको ना रियांश में इन्वॉल्व रखूँगी। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं वरुण को ना पिंक कर दूँगी पहले से ही, तो बस वो आने वाला होगा। प्रिटी एक्साइटेड, वाओ, मुझे ना किसी को सरप्राइज करना बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे ना यहाँ पे कोरियर आया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे किसी व्लॉग में। और रियांश को मैंने फीड करा दिया ताकि वो बिल्कुल फ्री रहे, अभी वो सो ही रहा है, उसने अच्छा नैप ले लिया, अभी वो खेलेगा आराम से। अगर वो नैप नहीं लेता ना तो वो थोड़ा सा इरीटेटेड हो जाता चिड़चिड़ा सा, अभी क्योंकि नैप ले लिया है तो वो एकदम बढ़िया होगा। और मेरे ख्याल से ना मेहुल ने मुझे बोला था कि वो होली खेल के आ रहा है, तो मे बी वो होली खेलता हुआ आ रहा हो डायरेक्ट, या फिर नहा के आ रहा हूँ, वही मैंने बोला सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उसका कितनी देर में होगा वो काम। हाय ये देखो होली में खेलता हुआ आ रहा है ये, इसको मैंने तो फेस से देखा है, तो मैंने धो लिया बहुत, ये तो पूरा होली वाला हो रहा है। चल तो सामान तो यहीं पर रख दे, नहा ले पहले तू। मेहुल आने चला गया और पता क्या हुआ, मैं इस रूम में आ गई थी, मेहुल फटाफट से जा रहा था उस रूम में वर्ल से मिलने, मतलब ऑलमोस्ट उसने गेट खोल लिया था, मैंने फटाफट रुका, मेहुल जब जब मीटिंग चल रही है वरुण के भी मत जा, तो डांटेंगे वरुण, घुसेंगे कोई तो। ओ माय गॉड, फिर वरुण बाहर निकल के आए एंड क्या हुआ, उसके ना कपड़े जो गर्मी वाले हैं ना वो मेरे पास रखे थे, अब उसके कपड़े उस रूम में, वो नहाए तो पहने क्या, तो आई सेड तू जा मैं ले आऊँगी। वो कहाँ है इसका वो कपड़े। मेहुल ताऊजी की बात रियांश से करा रहा है, मैं फटाफट से यहाँ पर आ गई हूँ सेटअप करने के लिए, जल्दी से कर लेते हैं अपना लास्ट मोमेंट वाला सेटअप।
यहाँ पे लिखते हैं, परफेक्ट, अमेजिंग। ठीक है, लाइट्स ऑफ करती हूँ एक बार। ये ऑन है, वो दोनों ऑन है, ये ऑन है, लाइट्स ऑफ, ये ऑन करती हूँ एंड लाइट्स ऑफ। वाओ, परफेक्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे मामू, ये अमेजिंग है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं अभी कैमरा रख के चलती हूँ। जिम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाइस ट्रैप। एक और ट्रैप में फंसे हुए, आपको बता देंगे। लाइट्स कैमरा बड़ी अच्छा। तुम ब्लॉग बना रहे हो? मेरा लैपटॉप बंद कर दिया। लाइट आ गई। केक काट देंगे मामू का। तो आ जाओ मामू, खुश हो गया। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? Nice gym. अच्छा, मैंने इसे बोला था कि मेहुल या ये आशका ना इस रूम में से जिम लेकर, तो वो जिम लेने आया था। एंड मेहुल पहले रूम में आ रहा था, मैंने फटा नहीं 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 मेहुल मीटिंग चल रही है। अच्छा, अरे याद आया। मेहुल ऑलमोस्ट रूम का ऐसे नॉक पे खोलने आ गया था, मैं इतनी तेज भागी। चलो मेहुल मामू से कहेंगे केक को कट करो। मेहुल मामू फोटो खींचता हूँ। हाँ, काटो मामू को केक खिला दो। डर गया, डरने की चीज थोड़ी ना रहा है। देखिए मेरे मामू आए हैं, बढ़िया केक है, बढ़िया केक है, मजेदार एकदम, माइंड ब्लोइंग। जल्दी पूरा केक गबा गबा खा लियो। हमने केक स्पेशली मैंने बोला चॉकलेट, उन्होंने कहा चॉकलेट ही केक, उन्होंने पूरा कहते चॉकलेट बोल दिया। मैं ये खाना चाहूंगी। तुम बड़े हो जाते जल्दी से, तुम ये खाना बहुत सारी चीजें फिर बिल्कुल आइडिया नहीं था ये, बिल्कुल पार्टी बॉम्ब। तो अभी यहाँ पे गिफ्ट खोलना हो चुके हैं स्टार्ट। एंड मैंने ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज मेहुल के लिए मंगवाई है। एक मैंने शर्ट मंगवाई है और ये पूरी फॉर्मूला बड़ी बड़ी लग रही है ना मेहुल। हाँ, चल इसे एक्सचेंज कर लेंगे, अच्छा हुआ ना मालूम पड़ गया। नहीं ठीक है, चल पहन के ट्राई कर लियो एक बार, बट मुझे बड़ी लग रही है पता नहीं क्यों। नाइस, बट इसमे ना बहुत ही कूल शर्ट है, इसे फॉर्मूला ब्लैक बोर्ड आई एक्चुअली में। और पूरा ऐसे डेस्टिनी ये वो फॉर्मूला ये सब पूरा तेरे लिए बेस्ट है। सेकेंड गिफ्ट यहाँ पे खोलना स्टार्ट हो गया है, तो मैंने इसके लिए
कुछ स्पोर्ट्स शॉर्ट्स कर रहे हैं। मैंने अच्छा पिछली बार इसके लिए ऐसे कॉटन वाले कर दिए थे जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ये कैसे लग रहे हैं? अच्छा ये वाला, ये तो सही है ना, स्पोर्ट्स पैटर्न पे किया है मैंने। और इसके साथ ही मैंने क्या किया है, चलो ये देखेगा तभी पता चलेगा, अभी नहीं बताती मैं। तो मैंने सेट ऑफ टू किया है, एक रेडिश में है और मतलब सेम है, बस इनमें कलर चेंज है। और इसमें ना बेस्ट ये है कि इसकी पॉकेट में चेन है, ऐसे कुछ रख भी रहे हो तो हाँ मतलब चेन है, बंद हो जाए आराम से। तो थर्ड गिफ्ट एंड देखते हैं, ये देखो रियांश बेटा है मेहुल मामू की गोदी में। भैया चलो देखते हैं इसमें क्या निकलेगा। रियांश बेबी, ओ गोवा वाले बीच पे खोल के देखो मामू, चलो इसे। और इसमें है दो प्लेन टी शर्ट, तो ये दोनों शॉर्ट्स के साथ की है। एक मैंने मंगवाई है ब्लू इसके साथ की, क्योंकि हाँ ये देख ब्लू है और इसके साथ की। अरे यार गड़बड़ हो गई, ब्लैक मंगवाई मैंने, ब्लैक ऑर्डर की थी, एक रेड नहीं की थी, मैं चेंज कर दूंगी। हाय गाइस, तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने मीनू को क्या क्या गिफ्ट दिया है। तो एक बार मैं आपको ना ढंग से पूरा हॉल वीडियो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या उसके लिए परचेज किया, एंड इत्तेफाक से उसको सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया है। वो ना बहुत ही चूजी है, मतलब वैसे उसकी कोई चॉइस नहीं है, बट उसको ये है कि उसको कम्फर्ट भी चाहिए और उसको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ये चीज उसकी रहती है। तो फाइनली उसको सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, सब कुछ बहुत बढ़िया एकदम लग भी रहा है, और मटेरियल बजट सब कुछ बहुत परफेक्ट है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी हॉल शेयर कर देती हूँ फटाफट से। सबसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ मैंने जो शॉर्ट्स उसके लिए परचेज किया। मैंने शॉर्ट्स लिया है सेट ऑफ टू में थे, और ये है एक मैरून कलर का शॉर्ट और इसमें ब्लैक इस टाइप का लाइनिंग है, स्पोर्ट्स के लिए है, और एक है ब्लैक कलर का उसमें ब्लू में लाइनिंग है। एंड इन दोनों का जो प्राइस था ये वो था 399, मतलब 400 के मुझे दो शॉर्ट्स मिले हैं। क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे आपको चेन मिली हुई है साइड्स में पॉकेट में, एंड इलास्टिक क्वालिटी मतलब बहुत बढ़िया शॉर्ट्स लग रहे हैं। तो वो एक तो उसने पहन भी लिया है, आज ये वाला ब्लॉग में हॉल नेक्स्ट डे शेयर कर रही हूँ, तो उसने एक पहन भी लिया है। सो या ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मस्ट गो है, 400 में बहुत बढ़िया है। इसके साथ पहनने के लिए मैंने नॉर्मल सी दो टी शर्ट्स ली थी कॉम्बिनेशन में, जो थोड़ी सी गलत भी आ गई। मुझे एक्चुअली लेनी थी ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लू तो मैंने सही ली, बट मैंने गलती से रेड ले ली, तो रेड को मैंने रिटर्न डाल दिया एंड ब्लैक उसके लिए ऑर्डर कर दिया। तो मैं आप लोग के साथ ना ब्लू शेयर कर देती हूँ। और ये जो टी शर्ट है ये 249 रुपीज की पर टी शर्ट है, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, कम्फर्टेबल है, कॉटन में है, एंड कलर वलर भी बहुत अच्छा है, मतलब दिस इज प्रॉपर रॉयल ब्लू, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ये लिया एक्सेल साइज में क्योंकि उसकी ना हाइट है और इसका एकदम राउंड नेक है, बहुत प्यारी टी शर्ट है, बहुत प्यारा कलर है, एक्चुअली में रॉयल ब्लू बहुत ही प्यारा है। सो ये ब्लैक वाले शॉर्ट्स के साथ लिया, एंड इसके साथ के लिए मैंने ब्लैक वाली रिप्लेसमेंट डाल दी है रेड वाले के एक्सचेंज में। उसी के साथ मैंने एक बहुत ही प्यारी कूल टी शर्ट ली है जो पहनने के बाद अमेजिंग लग रही है, तो मैंने लिया एक ग्रीन और येलोइश कलर की टी शर्ट। वैसे ऐसा नहीं है कि आप इसे गोवा में पहनो, आप इसे नॉर्मली गर्मियों में पहनोगे ना तो ये दूसरों को भी एकदम कूलिंग इफेक्ट देने वाली है। ऑल ओवर में ये पैटर्न की टी शर्ट है और पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं ट्राई करूंगी, अगर मेरे बोल ट्राई ऑन हॉल दे दिया ना तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी। सो पहनने के बाद ना बहुत अच्छी लगती है, फिटिंग इसकी बहुत ही प्यारी आई है, एंड इसका मुझे प्राइस याद नहीं है, बट इस सबका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ परचेज इस टाइप का करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट टी शर्ट लग रही है मुझे। उसी के साथ ना मैंने एक शर्ट परचेज की थी जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में शायद आपने देखी होगी, उसका मैंने यहाँ क्लिप डाल दूंगी। तो ये जो शर्ट है ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका प्राइस भी शायद 349 या 350 अप्रॉक्स था, बट उस रेंज में ना बहुत प्यारी टी शर्ट, बहुत प्यारी सी शर्ट है। बट ये जो साइज है ये 44 मैंने ले लिया एक्सेल का समझ के, एंड ये मेहुल के बड़ा है तो मैंने इसको रिप्लेस में डाला है, इसका मैंने 40 नंबर अभी ऑर्डर में डाल दिया है, तो वो मेरे पास रिप्लेस में होके आएगी। बट हाँ ये वाली शर्ट है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यार मैंने ये लिया एक टी शर्ट एंड एक शर्ट, दो शॉर्ट्स एंड दो नॉर्मल टी शर्ट्स। सो मैंने ये किया है मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही परफेक्ट है। और मैंने रियांश के लिए भी कुछ लिया है, रियांश की है ये फर्स्ट होली, तो हर चीज में बहुत मेमोरेबल रखना चाहती हूँ उसके लिए। फर्स्ट होली पर ना मैंने उसके लिए बहुत ही प्यारा से एक रोमपर लिया है रेड कलर का, माई फर्स्ट होली, ये देखो बहुत ही क्यूट सा रोमपर मैंने उसके लिए लिया है, जो वो पहनेगा कल, मतलब कल जो व्लॉग आएगा नेक्स्ट होली का उसमें वो पहनने वाला है माई फर्स्ट होली। इसमें बहुत सारे कलर से रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, न्यून है, बहुत सारे कलर से, बट क्यू
बट पता नहीं क्यों अभी मैंने चेक किया तो वो करंटली आउट ऑफ स्टॉक बता रहा है। अगर ये स्टॉक में आया ना तो मैं इसका लिंक डालूंगी। बहुत ही प्यारा है रूम पर, बहुत ही कंफर्टेबल कॉटन का है। सो या वो ये कल पहनने वाला है, उसकी फर्स्ट होली के लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा रूम पर लिया है उसके लिए। और मैंने उसके लिए ना एक टॉय भी लिया है। अभी वो टमी टाइम करने लगा है अच्छे तरीके से। अभी तक करता था बट इतना वो कंफर्टेबल नहीं रहता। अभी वो पूरा कंफर्टेबल होता है, अपनी नेक पूरी उठाता है, घूमता है, दिखता है। और थोड़ा सा ना उसने ऐसे पुश करना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब घुटनों में ना ऐसे दम लगाता है आगे पुश करने के लिए। तो मैंने उसके लिए ना टमी टाइम के लिए ये लिया है। आजकल ये बहुत चल रहा है, मैंने काफी जगह देखा था तो मुझे था यार रियांश के लिए मुझे लेना है। सो मैंने इसको एक बार यूज भी कर लिया है। इसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा ना पानी भी भरा भी हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इसमें पानी भरा हुआ है। सो इसमें ना यहाँ पे यहाँ से पानी जाता है और ऊपर वाले में भी ऐसा है, शायद इसमें भी पानी जाएगा। इसमें हमने पानी नहीं डाला था, इसमें डाल के चेक किया था तो बहुत ही बढ़िया है। रियांश एकदम परफेक्टली टमी टाइम कर रहा था ना तो उसको देख रहा था। बट अभी थोड़ा सा छोटा है, लाइक 15 डेज बाद ना इस पे वो चल पाएगा तो ज्यादा मतलब देख पाएगा। अभी तो वो उस पर था तो ऐसे ऐसे देख रहा था कि क्या उसे दिख रहा है। इसमें पूरा ना ऐसे जब पानी भर जाता है ना तो ये जो फिशेस टाइप के पैटर्न के जो कट हुए हैं ना, थर्माकोल तो नहीं है, एक शीट से आती ना वो है, तो ये सब ना ऐसे तैरते हैं पूरे में, फ्लोट करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने रियांश के लिए लिया उसका टमी टाइम। एंड ये जितने भी सामान मैंने आपके साथ शेयर करें सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर सकते हो एंड वहां से परचेज कर सकते हो। रात के 10 बज गए, हम लोग तब से ना हंसी मजाक बातें कर रहे हैं। अरे यार छोटे लोग हैं ये, पता है क्या, अब चलो अभी बता, अभी ऐसे नहीं रुक जाओ, वो इमली डाली मीटर आते में। सुनो हम लोग खाने में खाने वाले हैं, खाने में पार्टी हो रही है, पार्टी में हो रहा है। हम लोगों ने लिया है वीर जी का पनीर और थोड़ी सी रुमाली रोटी और थोड़ी सी कौन सी नान है, क्या है ये स्टफ नान ही तो मंगवाएंगे और कुछ नहीं मंगवाएंगे। दो पैकेट में है स्टफ नान थोड़े से। और मैंने मेहुल का फेवरेट बनाया है फ्रूट रायता, बट उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ये दोनों ना सूंघ रहे हैं कि क्या है, वो कह रहा संतरा डाला है, एक कह रहा है मखाने डाले हैं। और इन दोनों को ये मतलब उन्होंने इतना फ्रूट रायता मैंने खिलाया, संतरा मखाने कब नहीं डालती मैं, हाँ वो कह रहा है कुछ खट्टा स्वाद आ रहा है, इमली डाली है, इमली का पानी डाल। अरे अब टेस्ट सही होता चलेगा। चलो लेके चलते हैं, खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। रियांश को सलाह दिया, बहुत खेला तो तब से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर, मेरा गला खराब हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली रहता। ये सारा मेवल ही खाने वाला है, वरुण भी थोड़े से खाएंगे, फेवरेट। अरे कुछ नहीं है, पागल होना, मलाई नहीं पड़ती है मीठा, मलाई खाती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है यार, मजाक कर रही थी।